हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपसे आज मैं बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपकी नीयत और आपकी हैसियत बता देगी। ठीक है, मात्र एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपका नीयत और आपका हैसियत बता दे। क्वेश्चन ये है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, जिसके पास एक अच्छी फैमिली हो या जिसके पास पूरी धन दौलत से भरा हुआ घर, मतलब लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति या पैसे हो, या किसी के पास एक सिंपल छोटी सी फैमिली हो, मम्मी पापा भैया भाभी बीवी बेटा बेटी, ये सिंपल सी ब्यूटीफुल सी फैमिली हो, या जिसके पास बहुत सारा मनी हो। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सबसे रिचेस्ट इंसान कौन है। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज पढ़ेंगे लोग रिजल्ट। रिजल्ट, हाँ रिजल्ट आने वाला आप लोग का भी। रिजल्ट मतलब क्या? रिजल्ट के नाम से ही हाथ पैर कांपने लगते हैं। जब मेरा टाइम आता था तब रिजल्ट के नाम से हाँ होता था कि घबराहट होती थी और बहुत कुछ, हाँ बहुत कुछ, मतलब 2 दिन सो नहीं पाते थे, रिजल्ट आने वाला है, कल है रिजल्ट, परसों ही रिजल्ट आएगा, पता नहीं क्या होगा, प्रमोट होंगे या फेल होंगे या कितने परसेंटेज आएंगे, वो सब कुछ जो आपका फ्यूचर पे डिपेंड करता है उसको बनाना सीखेंगे आज हम लोग। वो सब कुछ जो आपके फ्यूचर को डिपेंड करता है वो आज हम लोग बनाना सीखेंगे। वो आप लोग बोलेंगे सर क्या बात है, अगर मुझे मेरा रिजल्ट बनाने को मिलता तो मैं सब में 90+ नंबर फील करता, जो लेकिन 37, 42, 90 ये सब दिया हुआ है, मैं सब में सारे सब्जेक्ट में मैं 90 फील करता और मैं टॉप करता। लेकिन ऐसा होता है क्या जनरल वे में? ऐसा होता है क्या? नहीं। आपके अकॉर्डिंग टू आपके मार्क्स कैसे पुट किए जाते हैं, आपके क्वेश्चंस कितने करेक्ट है कितने इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखेंगे कि रिजल्ट बनाते कैसे हैं। ये 5 फॉर्मूला है किसके लिए? टोटल निकालने के लिए, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज और डिवीजन। ठीक है, टोटल मीन्स व्हाट? पांचों सब्जेक्ट का टोटल। मिनिमम मीन्स व्हाट? जैसे मेरा पांचों सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कम नंबर किस में आया वो होगा मेरा मिनिमम। मैक्सिमम, पांचों सब्जेक्ट में मेरा सबसे ज्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में आया वो हो गया मेरा मैक्सिमम। और एवरेज, एवरेज को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं लाइक अ परसेंटेज। जैसे 500 नंबर का मेरा एग्जाम था, उसमें से कितने नंबर आए? अगर 250 नंबर आए मतलब 50%, एवरेज क्या हो जाएगा? 50। और मान लीजिए मेरा 250 से ज्यादा आ गया तो एवरेज मेरा बढ़ते जाएगा। एवरेज मींस व्हाट? परसेंटेज। परसेंटेज को ही एवरेज बोलते हैं और एवरेज को ही परसेंटेज बोलते हैं। ओके, थर्ड क्या है? डिवीजन। जैकबोर्ड में हमेशा डिवीजन ही दिखाया जाता है, रिजल्ट में आपको डिवीजन लिख के दिया जाएगा, आप फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन, या फिर आप फेल हैं। ठीक है, तो डिवीजन कैसे हम लोग बनाते हैं, डिवीजन किस आधार पर हम कैटेगराइज करते हैं? तो डिवीजन जैसे आपका 60% या 60% से एबव है तो आप फर्स्ट डिवीजन, और आपका 45% या 45% से एबव है तो आपका सेकेंड डिवीजन, और 33% या उससे एबव है तो आपका थर्ड डिवीजन। ठीक है, तो ऐसे आपका डिवीजन कैटेगराइज किया जाता है। 60 to 100 हो जाएगा, 60 to 100 हो जाएगा आपका फर्स्ट डिवीजन। ओके, और 45 to 60 हो जाएगा आपका सेकेंड डिवीजन। 60 नहीं बोल सकते, 59, 59 पे ही वो सेकेंड डिवीजन रहेगा। जैसे 60 आएगा वो फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा, उसी तरह 33 to 45 हो जाएगा आपका थर्ड डिवीजन। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इसमें हम लोग क्या दिया हुआ है, सबसे पहले नेम, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सारे सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट, टोटल मिनिमम मैक्सिमम एवरेज डिवीजन। अब ये जो फॉर्मेट है ये क्या है? एमएस एक्सेल का फॉर्मेट है। ये हम लोग रिजल्ट बनाएंगे किसमें? एमएस एक्सेल में। ठीक है, तो एमएस एक्सेल हम लोग कैसे रिजल्ट बनाते हैं? रिजल्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहला जो सेल होगा A1, क्यों कौन सा सेल? इस सेल का क्या नाम है? A1। इस सेल का क्या नाम है? B1। इस सेल का क्या नाम है? C1। इस सेल का क्या नाम है? A2। ठीक है, इस तरह लोग सेल के नाम को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो रिजल्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सारा डिटेल्स को फीड करेंगे, जैसे नेम हो गया, कौन कौन से स्टूडेंट है, हम यहाँ मात्र 3 स्टूडेंट को कंसिडर किए। ठीक है, अक्षय, संजना और श्रुति, मात्र 3 स्टूडेंट को हम लोग यहाँ पे कंसिडर किए, क्योंकि ज्यादा कहते तो फिर मेरा बोर्ड भर जाता और जो फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला है वो ड्राइव करने में थोड़ी मुसीबतें आती। ओके, सब्जेक्ट फिर हम लोग यहाँ लिख दिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो इंग्लिश। ठीक है, 5 सब्जेक्ट हम लोग लिख दिए हैं, जिसका सारे का नंबर हम लोग यहाँ फिल कर चुके हैं। अक्षय का कितना नंबर आया 5 सब्जेक्ट में, संजना का कितना नंबर आया 5 सब्जेक्ट में, श्रुति का कितना नंबर आया 5 सब्जेक्ट में, ये सब कुछ हम लोग फिल कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या करें, टोटल अब निकालना। अब हमको टोटल नहीं पता है, अब हमको टोटल पता ही नहीं, मैं तो यहाँ कैलकुलेटर के लिख दिया था, लेकिन अब जब मैंने सबका नंबर फीड कर दिया, अब मुझे टोटल निकालना है कि अक्षय का टोटल नंबर कितना आया, अक्षय का टोटल नंबर कितना आया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आता है टोटल का फॉर्मूला। ये है टोटल का फॉर्मूला। टोटल
तो अब मेरा तो अच्छे का पांच सब्जेक्ट में इतना नंबर आया, उसको टोटल कहना, तो टोटल करने के लिए क्या करेंगे, इस सेल पे जाके हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, टोटल सेल पे जाके हम लोग क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करते ही, हम लोग क्या फॉर्मूला लिखेंगे, इज इक्वल टू सम बी टू, बी टू मीन्स व्हाट, बी टू कहां, बी टू ये बी से लेकर के सेकेंड पोजिशन, ये हो गया बी टू, बी टू पोजिशन से कहां तक, इज टू एफ टू, एफ क्या हो गया, एफ ये टू ये, यहां देखिए यहां से टू, ये एफ टू पोजिशन। तो हमको पांचों नंबर को सम करना था, ये मेरा पहला नंबर बी टू से, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों को टोटल करने के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू सम बी टू इज टू एफ टू, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करते हैं लोग, एंटर करेंगे, तो ये फॉर्मूला को हम लोग यहाँ टाइप करते ही मेरा क्या हो जाएगा, टोटल कैलकुलेट हो जाएगा, टोटल मेरा कैलकुलेट, मेरा टोटल जितना भी होगा 247 था या जो भी था वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये टोटल का सम आ जाएगा मेरा यहाँ पे टोटल के एक्टिव सेल पे, ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, जब इसका टोटल निकाल दिया तो यहाँ पे एक छोटा सा प्लस बनेगा, हम लोग अपना कर्सर कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे, छोटा सा इस टाइप से प्लस बनेगा, प्लस बनते ही उसको पकड़ के नीचे खींच देंगे, खींचने से क्या होगा, सेम फॉर्मूला इस दोनों सेल में भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, सेम फॉर्मूला इस दोनों सेल में अप्लाई हो जाएगा, प्रैक्टिकल में आप जब देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद टोटल तो हम लोग निकाल दिया, अब क्या निकालना है, मिनिमम, मिनिमम जैसे हमको पता नहीं है, ठीक है, मिनिमम निकालना है, मिनिमम में क्या, मेरा जो पांचों सब्जेक्ट मार्क्स आया है उसमें से सबसे कम नंबर मेरा किस में आया है, या फिर सबसे कम नंबर मेरा कौन सा है, तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए फॉर्मूला क्या है, मिनिमम के लिए क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू एम आई एन, एम आई एन मीन्स मिनिमम, ब्रैकेट ओपन, बी टू मीन्स व्हाट, बी टू ये नंबर मतलब कि पहला सब्जेक्ट से, इज टू एफ टू, एफ टू कहा लास्ट सब्जेक्ट तक, और ब्रैकेट क्लोज और इंटर, ब्रैकेट क्लोज करते हैं इंटर क्या करेंगे, तो हम लोगों को क्या निकल के आ जाएगा, 27, 27 मेरा मिनिमम नंबर, ठीक है, यहाँ को देखिए 37, 42, 90, 41, 27, इस समय से मिनिमम कौन है, 27 लिखा हो, 27 मिनिमम है, तो हम लोग का आ जाएगा उसी तरह मिनिमम नंबर। अब हमसे पूछा गया मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर क्या है, मतलब मेरा जो पांचों सब्जेक्ट में जितना भी नंबर आया उस सबसे मैक्सिमम नंबर किस सब्जेक्ट में आया, या मैक्सिमम नंबर क्या है, तो उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला होगा, मिनिमम, मिनिमम इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू मैक्स, मैक्सिमम निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, इज इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, बी टू, बी टू क्या है, बी टू फर्स्ट सब्जेक्ट है, बी टू से लेकर के इज टू एफ टू, एफ टू क्या है, लास्ट सब्जेक्ट है, पांचवा में से लास्ट सब्जेक्ट एफ टू है, ब्रैकेट क्लोज हुआ, इंटर करेंगे, इंटर करते ही क्या होगा, मेरा मैक्सिमम नंबर जो भी होगा वो यहाँ पे फीड हो जाएगा, ठीक है। और एक जरूरी सूचना कि जिसपे हमको निकालना है हमको उसी पे जाके क्लिक करके हमको जो फॉर्मूला होगा उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, हमको मैक्सिमम निकालना है यहाँ पे, तो हमको इस एक्टिव सेल को क्लिक करके सारा फॉर्मूला को यहाँ पे फीड करना होगा, फॉर्मूला को फीड करते ही हमें पता चल जाएगा 90 नंबर मैक्सिमम है, इस नंबर में से सबसे मैक्सिमम नंबर कौन है, 90, तो 90 यहाँ ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा इंटर करने के बाद। अब पूछता है एवरेज, एवरेज बोलिए या परसेंटेज बोलिए, ठीक है, इसको एवरेज बोलिए या परसेंटेज, मतलब कि मेरा जो पांचों सब्जेक्ट का मार्क्स है, मेरा जो पांचों सब्जेक्ट का मार्क्स है उसका एवरेज क्या है, एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 2 + 4 + 3 का एवरेज निकाला, तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल, ठीक है, टोटल का सम प्लस जितना है 1, 2, 3, तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 7, 8, 9, 9 / 3, तो 3 × 3 = 9, मतलब एवरेज क्या आ जाएगा, 3। उसी तरह हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल सम मतलब पांचों सब्जेक्ट मतलब टोटल जितना आया, जितना टोटल आया, टोटल इज इक्वल टू पांचों सब्जेक्ट, तो मेरा आ जाएगा एवरेज, ठीक है, एवरेज हम लोग उसी तरह निकालते हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू एवीजी, ब्रैकेट ओपन, जी टू क्यों हम लोग सिलेक्ट किए, देखिए मेरा जो सब्जेक्ट का टोटल है वो किस में है, जी टू में है, जी टू मेरा सेल है, जी टू में मेरा टोटल है, मेरा जो टोटल मार्क्स है वो मेरे जी टू में, मैंने जैसे बताया कि हम लोग एवरेज निकालने की क्या करते हैं, टोटल बाय जितना नंबर या जितना सब्जेक्ट मेरा है वो, तो हम लोग क्या जी टू को सिलेक्ट किए, जी टू के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, जी टू डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि मेरा पांच सब्जेक्ट है इसलिए हम 5 से डिवाइड करेंगे, अगर आपका 4 सब्जेक्ट है तो हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, मेनली 5 सब्जेक्ट ही होते तो हम लोग 5 से डिवाइड किए, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, इंटर दबाते ही मुझे बता देगा आपका 49.4% आया है, या एवरेज आपका 49.4 है, संजना का एवरेज क्या है 53.8, ज्योति का एवरेज क्या है 46.8, इस तरह हमको बता देगा कि एवरेज और परसेंटेज बिल्कुल सेम है, तो जितना आपका एवरेज आएगा उतना ही आपका परसेंटेज आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन, सॉरी फोर्थ नहीं होता, थर्ड डिवीजन। तो अब डिवीजन के लिए फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है डिवीजन के लिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला थोड़ा लेंदी भी है और थोड़ा समझने लायक भी है, अगर इसमें आप हल्का सा भी मिस्टेक करिएगा डिवीजन के फॉर्मूला में तो आपका जो डिवीजन होगा वो नहीं आएगा, आपका जो भी डिवीजन होगा नहीं ला पाइएगा, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करिएगा तो, ठीक है, हम आपको इतनी अच्छी वे से बताएंगे कि आप कभी इसको भूल ही नहीं पाइएगा, डिवीजन आराम से चुटकियों में निकाल लेंगे, ओके। तो डिवीजन का फॉर्मूला क्या है,
इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन काउंट इफ ब्रैकेट ओपन बी टू से इज टू एफ टू, मतलब बी टू से लेकर के एफ टू तक, क्योंकि मेरा जो पांचों सब्जेक्ट का मार्क्स है वो मतलब बी टू से लेकर के एफ टू तक है, ठीक है, एफ टू तक, उसमें कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5, क्योंकि 5 क्यों लिखा गया, पांचों सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे पांचों सब्जेक्ट को सम करके निकालना है ना, उसके बाद कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा फर्स्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया उसको कॉमा। इसमें क्या बता रहा है कि इसमें आप क्या बोल रहा है कि ये जो फॉर्मूला हमको दिया गया बी टू से एफ टू ग्रेटर देन 33 से बड़ा या इज इक्वल टू रहा, मतलब कि वो फर्स्ट डिविजन आ जाएगा। उसके बाद इफ यदि ब्रैकेट ओपन काउंट इफ ब्रैकेट ओपन बी टू से एफ टू तक, ठीक है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट लेस देन इज इक्वल टू 3, मतलब तीन सब्जेक्ट में फेल रहा, तीन सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर आया तो क्या हो जाएगा थर्ड, और एक्सेप्शन केस में वो सेकेंड। तो इसको ये फॉर्मूला लिखने के बाद डबल ब्रैकेट लेके हम लोग क्लोज कर देंगे, क्यों, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन किया, ये ब्रैकेट मेरा ओपन हुआ तो ये मैंने क्लोज कर दिया, तो ये ब्रैकेट मेरा क्लोज हो गया। उसके बाद मैं कहाँ ब्रैकेट ओपन किया, ये ब्रैकेट ओपन हुआ, ये ब्रैकेट जो मैंने ओपन किया यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया, तो मेरा दो ब्रैकेट ओपन रह गया, ये ब्रैकेट और एक ये ब्रैकेट मेरा ओपन रह गया। तो इसको क्लोज कहाँ करेंगे हम लोग, यहाँ लास्ट में क्लोज करते हैं हम लोग इंटर करेंगे, तो मेरा जो डिवीजन का आंसर आ जाएगा वो मेरा डिस्प्ले हो जाएगा किसमें, डिवीजन में, सेकंड डिवीजन, सेकंड डिवीजन, सेकंड डिवीजन, मतलब तीनों का तीनों स्टूडेंट का सेकंड डिवीजन ही आया है। तो रिजल्ट बनाना इतना आसान हो जाता है जब आप लोग फॉर्मूला को समझ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखे आज, टोटल कैसे निकालेंगे, सबको इज इक्वल टू सम, ये पांचों को जोड़ देंगे टोटल आ जाएगा, मिनिमम निकालना, मैक्सिमम निकालना, एवरेज निकालना और डिवीजन निकालना, ठीक है। तो रिजल्ट बनाने के लिए जनरली इतना ही मेथड का यूज किया जाता है। तो आज ये प्रैक्टिकल देखते हैं। तो आज हमें क्या देखना था, आज हम लोग देखेंगे रिजल्ट बनाना, हम लोग रिजल्ट कैसे बनाते हैं अपना वो हम लोग एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर में देखेंगे, ठीक है। तो आइए पहले एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, हम पहले से ही एमएस एक्सेल को ओपन करके एक डॉक्यूमेंट बना के रखे हैं, जैसे नाम हो गया, सब्जेक्ट, उसका नंबर, ये सब कुछ हम पहले से फिल करके रखे हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये सब आप देख लीजिए, ये आपका नेम है, सब्जेक्ट नेम है, टोटल, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज और डिवीजन, ये क्या, ये हमारा नाम है, मैंने चार नाम सजेस्ट किया है, ओके। उसके बाद अकॉर्डिंग चारों के नाम मैंने नंबर सेलेक्ट करके लिख दिया है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें हम लोग कैसे टोटल करते हैं, कैसे मिनिमम करते हैं, कैसे मैक्सिमम करते हैं, कैसे एवरेज निकालते हैं, कैसे डिवीजन निकालते हैं, ठीक है। हम लोग का रिपोर्ट कार्ड में जनरली यही दिया जाता है, टोटल मार्क्स और डिवीजन, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, एवरेज दिया हुआ था परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक है। तो आप लोग एवरेज को परसेंटेज भी बोल सकते हैं। आइए देखते हैं टोटल निकालने के लिए हम लोग का क्या फॉर्मूला, ये हमारा एमएस एक्सेल का इंटरफेस है, हमारा फॉर्मूला कहाँ लिखा जाता है, या फॉर्मूला यहाँ लिखिए, देखिए मैं यहाँ कुछ भी टाइप करूंगा, मेरा टाइप कहाँ हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, मेरा टाइप यहाँ भी हो रहा है, यहाँ से मैं कुछ डिलीट करूंगा तो मेरा दोनों जगह से डिलीट हो जाएगा। तो आप चाहे यहाँ टाइप करिए, आप चाहे यहाँ टाइप करिए, दोनों सेम है, लेकिन पहले आपको एक्टिव सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप किस सेल पर टाइप कर रहे हैं, किस सेल पर अकॉर्डिंग टाइप कर रहे, उस सेल को आप सिलेक्ट करिएगा तब ना आपका फंक्शन वर्क करेगा। अब मान लीजिए आप टोटल निकाले, टोटल मान लीजिए हमको टोटल निकालना है पांचों सब्जेक्ट का, लेकिन सेलेक्ट कौन सा सेल सेलेक्ट किए हैं, डिवीजन का, तो हम लोग क्या होगा, टोटल तो निकल जाएगा लेकिन दिखाएगा किस पे, डिवीजन वाले सेल पे। तो ऐसा नहीं करना, जिस जो हमको निकालना है उस सेल को सिलेक्ट करना है, फॉर्मूला टाइप करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टोटल निकालना है, टोटल निकालने के लिए टोटल का फॉर्मूला, मिनिमम निकालने के लिए मिनिमम का फॉर्मूला, मैक्सिमम एवरेज का, सब का फॉर्मूला आपको बताया गया है थ्योरी क्लास में, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला टाइप करिए, आपका रिजल्ट हाथ आपके हाथ में। तो टोटल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, पहले हम लोग कौन सा इसका मोनो का टोटल निकालना, तो मोनो का टोटल निकालेंगे क्या, हम टोटल का जहां सब एक्टिव सेल है वहां सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या फॉर्मूला था, इज इक्वल टू सम, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, अब टोटल किसको करना था, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथ को, इंग्लिश को, कंप्यूटर को, इसको सेलेक्ट किए, ठीक है, सेलेक्ट भी कर सकते हैं, आप सिर्फ टाइप करेंगे क्या, बी टू इज टू एफ टू, क्योंकि मेरा कहाँ से एक्टिव सेल स्टार्ट है, फिजिक्स का नंबर मेरा कहाँ है, बी टू में, और कंप्यूटर का नंबर मेरा कहाँ है, एफ टू में, तो हम मेरा उस एफ टू और बी टू के बीच में ही पांचों नंबर है, बी टू इज टू एफ टू लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करते ही हम लोग इंटर जैसे प्रेस करेंगे वैसे हमारा सम होके तैयार हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए अपने सुबह हाथों से मैं इंटर किया, मेरा जो सम हो वो आ चुका है, मेरा जो सम, ये देखिए मेरा पांचों सब्जेक्ट का सम आ चुका है, कितना 244, ठीक है, मेरा टोटल नंबर कितना आया 244। अब मैंने तो मोनू का निकाल लिया, अब सोनू का भी निकालने के लिए मैं फिर से फॉर्मूला टाइप करूंगा, नहीं, मैंने जब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है तो मैं क्या करूंगा, सिमिलर फॉर्मूला हर सेल में एक्टिवेट करने के लिए हम लोग क्या सिखाया गया है,
कि आप उस सेल को सिलेक्ट करिए और साइड में जाइए, देखिए छोटा सा प्लस वाला बना, छोटा सा प्लस वाला बना, जहां तक हमको अप्लाई करना वहां सेलेक्ट करके आप उसको वहां तक प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद देखिए क्या होता है कि हमारा जो भी था, सोनू का भी टोटल हो गया, संजना का भी टोटल हो गया और श्रुति का भी टोटल हो चुका है, जितने भी सब्जेक्ट थे सब कुछ टोटल होकर हमारे पास आ चुके हैं। इसी तरह हमको टोटल करना, ये नहीं कि हर सेल में हम लोग फॉर्मूला लिखते रहे, ये ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है और आपको हर जगह समझाया जाएगा, यही करना है आपको कि पकड़ के सीधा नीचे खींच दीजिए। ओके, अब देखिए मिनिमम निकालना सीखते हैं। मिनिमम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला दिया गया था आप लोगों को, इज इक्वल टू एम आई एन ब्रैकेट ओपन। अब मिनिमम किसका निकालना है, पांचों सब्जेक्ट में से सबसे कम नंबर किसमें है, तो पांचों सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे ना, या फिर हम लोग क्या लिखेंगे सिंपली बी टू इज टू, ठीक है, बी टू इज टू एफ टू, ये टाइप करती ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे, ये देखिए अब मेरा ये बताइए मोनू का कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर आया है, कंप्यूटर में 25, ठीक है। अब उसी हमको बाकी स्टूडेंट्स का चेक करना, तो क्या करेंगे उसको सेलेक्ट करेंगे जिसमें हम फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, ठीक है, पकड़ के सीधा नीचे खींच दो बस। अब क्या है सोनू का देखिए, इंग्लिश में 12 नंबर आया तो यहाँ 12 शो किया, सबसे लोएस्ट में मतलब मिनिमम नंबर, और संजना का किसमें मैथ्स में 15 आया तो 15 शो किया, श्रुति का किसमें कम आया 42 नंबर, किसमें आया फिजिक्स में, तो ये शो हो गया। अब नेक्स्ट क्या है मैक्सिमम, मतलब सबसे ज्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में आया वो देखना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया गया आप लोगों को, इज इक्वल टू एम ए एक्स ब्रैकेट ओपन, कहां से हमको सेलेक्ट करना है बी टू से, इज टू कहां तक एफ टू तक, उसका ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर करिए। एंटर करते आपको क्या देखते हैं कि मोनू का 65 आया, हाईएस्ट नंबर इन इंग्लिश। ओके, अब उसी तरह हमको बाकियों का देखना, तो क्या करेंगे उस एक्टिव सेल को सिलेक्ट करेंगे, पकड़ के सीधा नीचे खींच दो बस, इतना ही करना। अब देखिए 45 सोनू का 45 किस में आया मैथ्स में, 64 संजना का 64 किस में आया कंप्यूटर में, और 90 यहाँ देखिए 90 90 दो जगह, तो 90 किस में आया है दोनों में, कंप्यूटर में भी इंग्लिश में भी, तो हाईएस्ट नंबर 90 दिखा रहा है। 91 होता इस 90 के जगह पे 91 होता तो क्या दिखाता, 91 हाईएस्ट नंबर। जैसे मैं यहाँ क्या करता हूँ 91 कर देता हूँ, ठीक है 91, और 91 कहते हैं इंटर करूंगा। अब ये देखिए भाई जैसे मैं यहाँ चेंज किया नंबर, वैसे यहाँ मेरा मैक्सिमम नंबर चेंज हो गया, जैसे मैं यहाँ से 91 किया तो मेरा मैक्सिमम नंबर भी 91 हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है एवरेज, एवरेज बोलिए चाहे परसेंटेज बोलिए सेम है, ठीक है। तो एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला था, इज इक्वल टू ए वी जी, ए वी जी उसके बाद ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन के बाद क्या सिलेक्ट करना है टोटल, टोटल किसमें है जी टू में, टोटल किसमें है जी टू में, किसमें जी टू में डिवाइडेड बाय 5, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कहते हैं हम लोग क्या करेंगे इंटर करेंगे, उसके बाद हमसे पूछेगा यस, हम लोग यस कह देंगे, क्या बताएगा 48.8%, ठीक है मिस्टर मोनू का 48.8%। उसी तरह को बाकी सभी का एवरेज देखना, तो क्या करेंगे पकड़ के सीधा नीचे। ओके, तो हम लोग क्या देखेंगे सोनू का 27.4% एंड संजना का 36.6% एंड मिस श्रुति का 75.6% आ चुका है, इसे आप एवरेज बोले चाहे परसेंटेज बोलिए दोनों सेम है। ओके, अब डिवीजन, डिवीजन थोड़ा लेंदी है, क्यों, क्योंकि हमें उसका फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा लंबा होता है, इसलिए डिवीजन थोड़ा लेंदी प्रोसेस में आता है। तो या तो आप उस डिवीजन के फॉर्मूले को रट लीजिए या फिर अच्छे से प्रैक्टिस करके समझ लीजिए कैसे कैसे क्या यूज होता है, ठीक है। तो डिवीजन का फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, तो आइए देखिए अच्छा से, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला अच्छे से दिखे। ओके, फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू इफ उसके बाद ब्रैकेट ओपन उसके बाद काउंट इफ, ठीक है, COUNT काउंट इफ, उसके बाद फिर क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे बी टू से एफ टू तक सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, बी टू इज टू क्या एफ टू, बी टू इज टू एफ टू कह दिया हम लोग, सॉरी यहाँ इज टू की जगह कुछ और आ गया, एक सेकेंड, बी टू इज टू एफ टू, एफ टू कहते हैं क्या करेंगे हम लोग उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद ग्रेटर देन, क्या करेंगे हम लोग ग्रेटर देन, उसके बाद इज इक्वल टू 33, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद क्या करेंगे हम लोग इज इक्वल टू 5, ठीक है, इज इक्वल टू 5 के बाद सीधा कॉमा देंगे, और उसके बाद क्या डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर से खोलेंगे और क्या लिखेंगे हम लोग फर्स्ट, क्या लिखेंगे फर्स्ट, फर्स्ट लिखने के बाद क्या करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको बंद कर देंगे, बंद करने के बाद क्या होगा फिर कॉमा लिखेंगे, कॉमा लिखने के बाद क्या करेंगे फिर इफ लिखेंगे, ठीक है, इफ लिखते ही क्या होगा फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं फिर क्या करेंगे काउंट इफ को फिर से टाइप करेंगे, ठीक है, COUNT इफ, काउंट इफ को फिर से टाइप किए, काउंट इफ को फिर से टाइप करते हैं क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर से, उसके बाद बी टू इज टू एफ टू फिर से टाइप करेंगे, बी टू इज टू एफ टू फिर से टाइप करेंगे, उसके बाद कॉमा, कॉमा
कॉमा देंगे, उसके बाद फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से ओपन करेंगे, फिर लेस देन, क्या लेस देन 33, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद क्या करेंगे हम लोग इन ब्रैकेट से इसको बंद करेंगे, बंद करते ही क्या होगा ग्रेटर देन से हम लोग इज इक्वल टू 3 कर देंगे, ग्रेटर देन से इज इक्वल टू 3 कर देंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद क्या लिखेंगे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, उसमें क्या लिखेंगे थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन को फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद फिर से हम लोग कॉमा देंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा से ओपन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे सेकेंड डिवीजन हम लोग फिल करेंगे, सेकेंड डिवीजन फिल करते ही डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करते ही फिर डबल ब्रैकेट से इसको बंद कर देंगे, मतलब क्लोज ब्रैकेट देके इसको बंद कर देंगे, और सिंपली क्या करेंगे हम लोग एंटर करेंगे, एंटर करते ही देखिए ये मेरा सेकेंड डिवीजन आ गया, ये मेरा सेकेंड डिवीजन आ गया, उसी तरह पकड़ के सीधा नीचे खींच दीजिए, इतना मेहनत करने के बाद आप देखिए 48.8% मतलब सेकेंड डिवीजन, 27.4% मतलब थर्ड डिवीजन, 36.6% मतलब सेकेंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन किसका आया है 75.6 का, आप देखिए किसका किसका आया आप लोग देख लीजिए, तो मोनू सेकेंड डिवीजन, सोनू थर्ड डिवीजन, संजना सेकेंड डिवीजन एंड श्रुति फर्स्ट डिवीजन, ये हो गया हमारा डिवीजन निकालने का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं, हम इसको शायद जूम नहीं कर सकते तो दिखा देते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला अच्छा से देखिए, इस फॉर्मूला को आप चाहिए अच्छा से लिख लीजिए या अच्छा से रट लीजिए या फिर बार बार प्रैक्टिस करके समझ लीजिए, क्योंकि डिवीजन निकालने का फॉर्मूला थोड़ा लेंदी है, ठीक है। अब फॉर्मूला ड्राइव किया गया है तो समझना तो पड़ेगा ही, ठीक है, तो फॉर्मूला को अच्छा से रटिए समझिए, और अगर कमेंट करिएगा, ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आए या फिर कुछ कहीं पे डाउट लगे कि सर ऐसे कैसे हो गया, हमको अगर ऐसे करना तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आप सीधा मुझे कमेंट करिए, मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि आप ऐसे कर सकते हैं या आप ऐसे बना सकते हैं, उसके लिए कोई टेंशन नहीं, ठीक है, मैं बैठा ही हुआ हूँ आपके लिए, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहां भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉन्टेक्ट करिए। और यही है एमएस एक्सेल रिजल्ट बनाते हैं हम लोग, इस हिसाब इसको क्या करेंगे हम लोग बॉर्डर में अप्लाई करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे तो सेलेक्ट करेंगे और बॉर्डर में दे देंगे, क्योंकि हम लोग जब भी प्रिंट करेंगे तो ये सिंपल बिना बॉर्डर का प्रिंट हो जाएगा, अब इसको बॉर्डर में प्रिंट करेंगे, जब क्या करेंगे हम लोग बॉर्डर तो दे दिए, उसके बाद बॉर्डर देने के बाद प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, प्रिंट प्रीव्यू देखिए, अब प्रीव्यू बॉर्डर दिखा रहा है, अगर अभी बॉर्डर नहीं देते तो बॉर्डर नहीं दिखाता हम लोगों को, ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, ये नेम हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ, ये है प्रिंट प्रीव्यू, ओके, यहाँ देखिए नेम हट चुका है ना, वही दिक्कत कर रहा था, क्या हट चुका है नेम, अब हो गया हमारा प्रोजेक्ट तैयार, हमारा जो भी रिजल्ट था वो तैयार हो गया, तीनों चारों बच्चों का मेरा रिजल्ट तैयार हो चुका, तो इसी तरह हम लोग एमएस एक्सेल में रिजल्ट तैयार करने के लिए सेम स्टेप फॉलो करेंगे, तो आज के लिए थैंक यू।